हाय, आई एम फातिमा। अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि आई एम ऑल्सो नोन फॉर डूइंग क्रेजी थिंग्स टू माई हेयर। अगर नहीं पता था तो कोई बात नहीं, हिट सब्सक्राइब, यू विल गेट नोटिफाइड अबाउट द नेक्स्ट टाइम दैट आई डू समथिंग क्रेजी। थ्रू आउट द ईयर्स आई हैव पुट माई हेयर थ्रू क्वाइट अ लॉट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि शुरू से ही आई हैव लव्ड एक्सपेरिमेंटिंग विद माई हेयर, चाहे वो बैंग्स हों, हेयर कलरिंग, ब्लीचिंग, कर्लिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग, DIY हेयर मास्क, या फिर चॉपिंग माई हिप लेंथ हेयर इंटू अ बॉब। एंड द रीसेंट धमाका वॉज डाइंग देम सिल्वर। माई नेचुरल हेयर वर वेरी थिक एंड डार्क, लेकिन वो ग्लॉसिप से पहले की बात है, सो आई डोंट इवन रिमेंबर माई नेचुरल हेयर एनी मोर। सच बताऊं तो इतने एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी मेरे बालों का टेक्सचर या क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। आई नेवर ऑयल्ड माई हेयर, सिर्फ एक DIY मास्क बनाकर महीने में एक या दो दफा लगा लेती थी, और मेरे लिए वो भी एक्स्ट्रा था। वेल, दैट्स ऑल्सो कॉज अभी तक मेरे बाल ब्लीच नहीं हुए थे, अपने एक्सपेरिमेंट से ही बस लाइट ब्राउन बाल अचीव किए जा रही थी किसी तरह, एंड आई वॉज हैप्पी विद दैट। फिर 1.5 साल पहले मुझे टोनी एंड गाय के साथ कोलैबोरेशन का मौका मिला, एंड आई थॉट चलो यार ब्लीच कर लेते हैं, देखी जाएगी। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई गॉट माई हेयर ब्लीच्ड, द पॉपुलर ब्लॉन्ड हाईलाइट्स, यू नो, जिसका दौरा एक दफ़ा जिंदगी में सबको पड़ता है, मुझे भी पड़ा। टू माई सरप्राइज आई लव्ड माई हेयर कलर, प्लस बाल डैमेज नहीं हुए, ऑयलिंग वगैरह और हेयर केयर वाले चोंचले भी नहीं करने पड़े, एंड माई हेयर एक्चुअली स्टार्टेड लुकिंग इवन बेटर विद टाइम। सो ऑब्वियसली मुझे मज़ा तो आना था, एंड आई केप्ट इट गोइंग। अब आते हैं 2020 की तरफ। अब मेरे बाल तो मेरे लिए इनविंसिबल हो चुके हुए थे, मतलब फुल सुपर हीरो टाइप्स, यू नो। तब मैंने सोचा इससे बड़ी गेम खेलते हैं, लेट्स कलर देम सिल्वर। लेकिन ऑब्वियसली उससे पहले बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी, बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोगों के रिव्यूज लिए जो पहले अपने बाल उस लेवल पे ब्लीच करवा चुके थे, खुद उनके बालों को एग्जामिन भी किया, एंड ऑनेस्टली आई वॉज फाइन विद हाउ दे फेल्ट। आई मीन ब्लीच थोड़ा ड्राई आउट कर देगा बालों को, आई डीप कंडीशन देम, और जब प्रोज एंड कॉन्स पूछे तब मेरी हेयर स्टाइलिस्ट ने भी मुझे यही बोला, अलॉन्ग विद अ हेयर मास्क एंड एन आफ्टर केयर प्रोडक्ट जिसका नाम ओलाप्लेक्स था। फाइनली आफ्टर 9 घंटे इन द सलोन एंड 4.5 hours ऑफ ब्लीच इन माई हेयर वर डन एंड द लुक्ड लाइक दिस। स्टिल शाइनी, स्टिल थिक, आई मीन आई वॉज आउट ऑफ वर्ड्स। बट दिस वॉज अंटिल आई वॉश्ड माई हेयर। ब्लो ड्राई, रिंग लाइट और हेयर मास्किंग के बाद तो किसी के भी बाल अच्छे लगते हैं। आई थिंक मैं ये भूल गई थी फॉर दैट मोमेंट, लेकिन मैंने ऑनेस्टली इतना बुरा हाल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कभी अपने बालों का, इवन इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। मतलब यार, ये मेरे सुपर हीरोज थे, ऐसा कैसे हो सकता था? इतना लंबा टाइम वेट करने के बाद अब जाके तो लंबे हुए थे मेरे बाल, इतने डेड स्टेट में देख के लिटरली शॉक्ड थी मैं। लेकिन आई टोल्ड माई सेल्फ कि अभी बहुत रीसेंट ब्लीच डैमेज है ये, आहिस्ता आहिस्ता ओलाप्लेक्स और हेयर मास्क वगैरह से फर्क पड़ ही जाएगा, सो मे बी आई डोंट नीड टू वरी सो। इतने एक्सट्रीमली फ्रिजी कि ब्रश करना ज़रूरी हो जाता था, और जब ब्रश करूँ तो इलास्टिक रब बैंड्स की तरह बाल खिंच खिंच के टूट रहे होते थे। अब इस डर में कि मैं कुछ एक्स्ट्रा डैमेज ही ना कर दूँ, मैंने बाल ब्रश करना ही छोड़ दिया। यू कैन कंपेयर, ये थे मेरे सुपर हीरोज़ जब मैं सिल्वर हेयर की गलती नहीं की थी। कैन यू सी कितने थिक और स्मूद हैं एंड से?
Now, look at this video of now. मैं किसी तरह शॉर्ट में अपने बाल छुपाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि एंड से तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है मेरी पोनी. As you can see, के कोई बाल ही नहीं है, बस तीन चार वियर्ड सी डेड सी लड़ियां ही नजर आ रही हैं, लिटरली. मैं बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी रातें जाग के YouTube वीडियोस देखती रही, because I was very worried about my hair. अब obviously गंजा होने का तो शौक नहीं था मुझे, और इस प्रोसेस को रिवर्ट भी नहीं कर सकती थी, तो सोचा कि लेट्स ट्राई टू सी व्हाट फिक्सेस इट. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज स्केयर्ड, क्योंकि दिस सिचुएशन वाज एक्चुअली सीरियस. सबसे पहला इंस्टिंक्ट, बालों को बंद रखूंगी ताकि वीडियोस के लिए भी स्टाइल करके और डैमेज ना करना पड़े इन्हें. लेकिन ऑनेस्टली फील ही नहीं आती थी इस तरह, कुछ ना कुछ मिसिंग फील होता था, क्योंकि कोई भी लुक कंप्लीट ही नहीं थी अंटिल आई यूज्ड टू ओपन माय हेयर एंड फ्लॉन्ट इट. दैट्स नॉट इट, असली गुस्सा इस बात पे आता है कि इतनी ख्वारी, इतनी मेहनत, इतना डैमेज, और कैमरा में ऑरेंज लाइटिंग में हेयर कलर पता ही नहीं चलता. आई मीन सो मच हैसल फॉर नथिंग, प्लीज डोंट टेल मी दैट. होम ट्रीटमेंट्स तो स्टार्ट हो ही चुके थे, अब सोचा प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स भी कर लेती हूँ, शायद उससे थोड़ा बेहतर हो जाए बालों का हाल. बॉन ट्रीटमेंट्स, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स, रिकन्स्ट्रक्शन ट्रीटमेंट्स, काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स के बाद जाकर बालों की वो इलास्टिक फील और ब्रेकेज ख़त्म हुई. अभी भी फ्रिजी तो हैं, लेकिन एटलीस्ट स्केरी लेवल टूट तो नहीं ना रहे. मगर इतने डैमेज के बाद सीन कुछ ऐसा हो गया था बालों का कि बिल्कुल ड्राई से फ्रिजी वॉल्यूमलेस लगना शुरू हो गए, टोटल चपाट. आई वुड बैक कॉम, टेक्सचर स्प्रे एंड कर्ल माई हेयर एट ऑल टाइम्स टू गिव इट द वॉल्यूम. अब मेरी हेयर केयर कलेक्शन मेरी स्किन केयर कलेक्शन से ज़्यादा बड़ी है. लॉल, सो मच फॉर नॉट लाइकिंग ऑयल एंड नॉट अप्लाइंग इट. अब हर वक्त हेयर वॉश डे पे पूरा दिन वॉशरूम में गुजरता है क्योंकि आई हैव सो मेनी चोंचले. यू थिंक आई एम एग्जैजरेटिंग? आई टेल यू ऑल दैट द इंटरनेट एंड हेयर प्रोफेशनल्स टेल यू टू मेंटेन योर सिल्वर हेयर. Olaplex is the best investment that you can do for your colored hair. All right, ले लिया और बोलो. पुराने शैम्पूज को फेंक दो, यूज सल्फेट फ्री शैम्पूज. बट आई हैव स्मेल्ट लाइक माय सनसिल्क शैम्पू फॉर इयर्स. बट चलो ले लिया और कुछ. यूज पर्पल शैम्पू, फनोला, लॉरियल, चलो दोनों ले लिए. अब बोलो. Use extra virgin coconut oil. Sure, loved it. लेकिन बालों के ग्रे ब्राउन्स में फेड हो रहे थे, so I completely stopped. मतलब अब ग्रे बाल रखे हैं तो एटलीस्ट ग्रे तो चाहिए, येलो बाल नहीं चाहिए मुझे फिर से. Use deep conditioning masks. Okay, I love hair masks now. जिन भी वीडियोस में मेरे बाल शाइनी और प्यारे लग रहे होते हैं वो एक्चुअल में इन्हीं हेयर मास्क्स की वजह से होता है. बट द सैड पार्ट, द हेयर फील नाइस टू द टच, श्योर, बट दे ओनली लुक गुड आफ्टर स्टाइलिंग. और इस चीज़ से मुझे लिटरली बहुत चिढ़ होती है क्योंकि पहले इट वॉज लाइक मैंने अपने बाल खोले, ब्रश भी नहीं किए, एंड दे वर लाइक वाह वाह वूम, स्टार्ट यूजिंग नेचुरल शैम्पूज. ओके जी, I tried quite a lot of shampoos and these were actually the only ones that worked to stop the breakage and make them manageable, honestly. ये तो मेरी हर हफ्ते की हेयर केयर रूटीन बन गई. जिस दिन मेरा हेयर वॉश डे होता था मेरा पूरा दिन वॉशरूम में गुजरता था. लेकिन स्टाइलिंग रूटीन की अलग ही लंबी लिस्ट है. Keep the heat low on styling tools. Obviously, वरना बाल येलो हो जाएंगे. Use antifrizz spray.
क्योंकि उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है अब। बाल जले हुए स्टैटिक से लगते हैं लिटरली। यूज अ लॉट ऑफ हीट प्रोटेक्टेंट। अब बालों को और ड्राई तो नहीं करना है हीट डैमेज से, तो भाई चाहिए सही है, लाइक ओके लेट्स जस्ट स्टार्ट यूजिंग मोर हीट प्रोटेक्टेंट। डोंट वॉश योर हेयर मोर देन वंस अ वीक। माय गॉड, इतना लंबा प्रोसेस मैं हर रोज तो वैसे भी नहीं कर सकती, तो वंस अ वीक ठीक है, ओके डन। कलर फेड हो रहा है, टोन योर हेयर एंड डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो फिर वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सिल्वर बाल स्टाइल करने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं, दैट्स फॉर अ फैक्ट, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाई मेंटेनेंस होते हैं और डैमेज लेवल्स डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड। यूजुअली लोगों का इतना बुरा हाल नहीं होता, लेकिन सैडली मेरे सुपर हीरोज इस दफ़ा डिफीट हो गए एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन मेकिंग देम स्ट्रॉन्गर, थिकर, शाइनियर। एंड ऑल्सो I'm going to be sharing something with you all in the next video. Wo bhi hair related hi hoga. So subscribe and hit that bell icon to get notified. I'll catch you guys in my next video. Bye bye.